दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र रांची की तरफ से जो है एक रिक्वायरमेंट की विज्ञापन यहाँ पे निकाली गई है। रिसेंटली में जो है इसकी वॉक इन इंटरव्यू से संबंधित यहाँ पे जो है एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है। जैसा कि आप नीचे में देख पा रहे कि यहाँ पे जो बताया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय केंद्र रांची में पुण्यता अनुबंध के आधार पर दो परियोजना सहायकों की भर्ती करना चाहता है। तो यहाँ पे जो है पोस्ट नेम यहाँ पे परियोजना सहायक के लिए यहाँ पे रखी गई है। इसमें टोटल आपका दो पोस्ट है एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जो है रखी जाएगी। इसकी जो इंटरव्यू होगी, जो वॉक इन इंटरव्यू, 19 अगस्त को यहाँ पे जो है होने वाली है। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर क्या क्वालिफिकेशंस ली जा रही है, क्या यहाँ पे जो है वेन्यू रखी गई है इंटरव्यू के लिए, इसके संबंध में जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आपको दी जाएगी। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन करके जो है आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देते हैं। मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहाँ पे ओपन कर ली है, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स रांची रीजनल सेंटर मोरहाबादी कैंपस के द्वारा यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है निकाली गई है। ठीक है, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप ग्रेजुएट किए होंगे ह्यूमैनिटीज, म्यूजोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर स्टडीज़ और इक्विवेलेंट, इसमें अगर आपकी ग्रेजुएट होगी, इनमें से किसी में भी अगर आप ग्रेजुएट कर रखे होंगे, तो आप बिल्कुल इसके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसमें टोटल आपके यहाँ पे जो है दो पोस्ट यहाँ पे बतलाई गई है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे होने वाली है। तो स्टार्टिंग में आपका 3 मंथ्स के लिए जो है आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका यहाँ पे रखी जाएगी। देन जैसा आपका यहाँ पे वर्क में एक्सपीरियंस होती है, उसके अनुसार यहाँ पे जो है आपका एक्सटेंड की जाएगी। एज की जो लिमिट यहाँ पे रखी गई है, मैक्सिमम 35 ईयर्स के तक के कैंडिडेट जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो रिम्यूनरेशन आपको यहाँ पे दी जाती है, अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड होते हैं, तो फिर आपको 15,000 जो है आपको पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी। एंड सैलरी के अलावे भी जो है आपको यहाँ पे ट्रेवल चार्ज होती है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे TA और DA ये सब सारी आपको यहाँ पे जो है दी जाएगी अगर आप इसमें सिलेक्टेड होती हैं। तो जॉब का जो लोकेशन आपके यहाँ पे होने वाली है, झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है गुमला, जो बिशुनपुर यहाँ पे गुमला दी गई है, इसमें आपको यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जॉब के लिए आपको पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जैसा यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, तो झारखंड के कोई भी अदर डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे है, उन सभी में जो है आपको यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो है आपको बिशुनपुर गुमला डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू की जो यहाँ पे टाइम आपको दी गई है, तो 2 बजे जो है आपका 19 अगस्त 2021 को जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू ली जाएगी। एंड जो रिपोर्टिंग टाइम आपका यहाँ पे 12 बजे रखी गई है, तो आप 12 बजे तक जो है इसमें रिपोर्टिंग टाइम आप कर दीजिएगा। 2 बजे से आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाली है। ठीक है, एंड आपका जो सबमिशंस, जो आपका एप्लीकेशंस किस प्रकार से जो है आप इसमें सबमिशंस कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्या करना होगा कि जो इसकी एप्लीकेशंस के फॉर्म होगी, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी साइबर कैफे के द्वारा जो है इसको आप निकाल के जो है अपना जो CV होगा, CV एंड जो आपका सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज होगी, टेस्टिमोनियल, इन सारी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको इसके जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसके साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जिस दिन आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगी, जो रिपोर्टिंग टाइम होगी, उस टाइम जो है आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। ये देख पा रहे कि जो रीजनल डायरेक्टर IGNCA रीजनल सेंटर रांची ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये आपका एड्रेस दी गई है। इस एड्रेस में जो है आपको इंटरव्यू ली जाएगी। उसी दौरान जो है आपको यहाँ पे अपना जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा, जो आपका सेल्फ स्टेटस कॉपीज होंगे, टेस्टिमोनियल, जो CV, इन सब सारी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको इंटरव्यू के दौरान आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। ठीक है, नीचे में इसका जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म है, ये इसका जो है अब लाइक यहाँ पे फॉर्मेट है, आपको किसी भी साइबर कैफे से जाकर जो है इसको आप निकलवा के यहाँ पे सारे डिटेल्स आप देख पा रहे हो कि आपका नेम एंड एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेनी है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज की क्राइटेरिया आपको यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पे लगानी है, एड्रेस यहाँ पे देना है, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल्स, आप कौन से ईयर में पासिंग किए हैं, क्या डिविजन है, ये सब सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है अच्छी तरह से फिल कर लेनी है। उसके बाद नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, इन सारी डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। देन आपका अंतिम में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पे खुद से यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस एप्लीकेशन का जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्म है इसको आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद जो सारे डिटेल्स होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसके CV के साथ अटैच करके जो है इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टिंग के टाइम जो है इसमें आप जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर आप इलिजिबल होंगे तो आप इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाते हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग,
तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।